इस मोहब्बत को, इस कुर्बानी को, इस हमदर्दी को और इस आजादी को आज जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिस्टर इब्ने बाप, हमारी कोशिश ये है मोहब्बत को और हमदर्दी को और मुल्क पर मजीद अगर कभी जरूरत पड़ी हमारे खून की तो उस खूनी ईसान और कुर्बानी के जज्बे को हम और ऊंचा उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस मुल्क को माजी में जरूरत पड़ी थी, माजी में हमने कुर्बानी दी, पास्ट में जरूरत पड़ी थी, पास्ट में हमने कुर्बानी दी। यानी 1947 से पहले जब जंग आजादी लड़ी जा रही थी तो तारीख उठा करके देखी जाए रेशमी रुमाल की तहरीर इसने छोड़ी। आलिम जी शेखुल हिंद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद हसन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अगर उससे पहले जाए तो एक से एक तहरीर जो आजादी के टाइम में छेड़ी जा रही थी, आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को भगाने के लिए हम कोशिश की जा रही थी, जान सब में हम पेश पेश रहे। रास्ता बचा है कहां की वहां से जाएगा, लाखों उलमा की जान को पेड़ों पर लटका बोल बैक करने के लिए उनके सर को कलम करके। तो आज हमारी तारीख को मस्त करके एजुकेशन के जरिए से उसमें तब्दीली ला करके हमें जो है मुल्क का गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है, जब मुल्क में नफरत और दहशत फैलाने वाला बताया जा रहा है। लेकिन हम इस प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के वासी हैं, बाशिंदा हैं और इसी देश में रहेंगे। अभी हालिया दिनों में डॉक्टर राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ, वो एक ऐसे शायर थे, इस रस्सी से बहुत सारे अशआर ऐसे कहे जो देशभक्त और देशभक्ति का उसमें एक उंसुर नजर आता है। उसी में से एक शेर है इस नफरत के माहौल पर और नफरत करने वालों के लिए कि अब के जो फैसला है होना है वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होना है वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। दोस्तों मैं इसी बात को हाफिज सलीम साहब को दावा देता हूं कि वो मुख्तसर अपनी बात रखे। ताली बता भाई, ताली बता। अस्सलाम वालेकुम, स्टेटस पे डालने के लिए हाँ चलेगा।